हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज द आरसी कपल्ड कॉमन ड्रेन एम्पलीफायर और कॉमन ड्रेन एम्पलीफायर। हम लोग लास्ट वीडियो लेक्चर में आरसी कपल्ड कॉमन सोर्स एम्पलीफायर पढ़े, जिसमें हमारे पास जनरल एक सर्किट था जिसमें सीसी, सीबी, सीएस, सीएसएच सारे थे। हम लोग उसको फाइनलाइज करके अब एक नॉर्मल मीडियम फ्रीक्वेंसी एसी इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करते हैं। इट इज एक्चुअली मीडियम फ्रीक्वेंसी एसी इक्विवेलेंट सर्किट। दिस वन फाइनल हम लोग करते हैं। ऑफकोर्स आपको याद होगा, ओके, सीसी, सीबी एंड सीएस, उसको हम लोग शॉर्ट सर्किट करते हैं, सीएसएस को हम लोग ओपन करते हैं और ड्रेन को हम लोग करते हैं ओके ग्राउंडेड कर देते हैं। ये प्रोसीजर आपको याद रखना होगा और ये प्रोसीजर करके हम लोग कॉमन ड्रेन एम्पलीफायर भी बनाए हुए हैं। कॉमन ड्रेन, ड्रेन इज कॉमन विथ सोर्स एंड गेट। ऑफ कोर्स कॉमन ड्रेन में इनपुट नोड हमारा गेट है और आउटपुट नोड क्या है, सोर्स है। तो आउटपुट नोड सोर्स होने के कारण यहाँ पे जो है आरएस, ओके, इसको हम लोग सेल्फ बायस रेसिस्टेंस करते हैं, यानी कि ऑटोमेटिक बायस होता है और ये लोड रेसिस्टेंस की तरह भी ट्रीट करते हैं इसको। नाउ हम लोग चूंकि स्मॉल सिग्नल मॉडल पढ़ रहे हैं, तो स्मॉल सिग्नल मॉडल के लिए हम लोग फेड को रिप्लेस करेंगे उसके इक्विवेलेंट सर्किट के द्वारा। दिस इज द फेड, ओके, फेड हम लोग इस फेड को रिप्लेस करेंगे। जैसा मैंने बोला, फेड यानी कि जे फेड और मॉस फेड किसी को भी आप यहाँ पे यूटिलाइज कर सकते हैं, ओके। तो गेट, सोर्स एंड ड्रेन, सिर्फ इस तीन टर्मिनल को देखना है, ओके। देखो ये तीन टर्मिनल हमारा, इस गेट के इधर ये दोनों कनेक्टेड है, VI RGBS, सोर्स नीचे हमारा RS है, V नॉट है और ये ड्रेन जो है कनेक्टेड था यहाँ, ये ड्रेन यहाँ कनेक्टेड हो गया। ये जो आपको सर्किट दिख रहा है, ओके, दिस इज एक्चुअली अ स्मॉल सिग्नल मॉडल, ओके, दिस इज अ स्मॉल सिग्नल मॉडल, ओके, ये स्मॉल सिग्नल मॉडल हो गया। नाउ हम लोग एक एक करके इसके पैरामीटर को कैलकुलेट करेंगे। पैरामीटर में हमारा इनपुट रेजिस्टेंस RI, RI इक्वल टू VI/IG, IG हमारा इनपुट करंट क्या होगा, जीरो, क्योंकि गेट जो है हमारा यहाँ पे गेट से हमारा कोई भी करंट नहीं फ्लो कर रहा है, IG जीरो हो गया, तो VI/0, RI इनफाइनाइट। बट टोटल इनपुट रेजिस्टेंस हम लोग अगर निकालें, ओके, ये अभी ये निकला, दिस वन, ये है RI, तो ये RI और RG दोनों पैरेलल में होगा। पैरेलल में होता है तो जो भी स्मॉलेस्ट रेजिस्टेंस होता है उसके नियर अबाउट वैल्यू होता है, तो RI डैश क्या होगा, RG। ये RG जो है ये डिसाइड करता है इनपुट रेजिस्टेंस को। यहाँ पे दिख रहा है RG जो है वो हमारा मेगा ओम में होगा, तो आपको पता है कॉमन ड्रेन एम्पलीफायर है, दे हैव द लार्ज इनपुट रेजिस्टेंस, क्लियर है। नाउ वोल्टेज गेन AB इक्वल टू V0/VI, V0 हमारा ये है और VI ये है, ये दोनों को निकालना है। अब ध्यान से अगर देखिएगा तो ये ड्रेन, दिस वन यहाँ कनेक्टेड है, ओके, और RD का ये दूसरा टर्मिनल यहाँ कनेक्टेड है, यानी कि RS का दोनों टर्मिनल, ओके, RD का दोनों टर्मिनल सेम है, यानी कि RD और RS को हम लोग बोल सकते हैं वो पैरेलल में है। हम लोग इसका इक्विवेलेंट यहाँ दिखाने का कोशिश किए हैं, RS और RD दोनों पैरेलल में है और इसी नोड पे यानी कि सोर्स नोड पे जो है ये GM VGS आ रहा है, सोर्स नोड पे, तो सोर्स नोड पे GM VGS आ रहा है और सोर्स से ड्रेन, ये ड्रेन है ना, ड्रेन, सोर्स से ड्रेन हमारा V0, ये प्लस साइन और ये माइनस साइन, प्लस साइन और ये माइनस साइन, तो ये GM VGS यहां निकल के आएगा। तो हम लिख सकते हैं V0 इक्वल टू GM VGS इंटू RS पैरेलल RD, क्लियर है। नाउ अब हम लोग KVL अप्लाई कर रहे हैं, देखिए माइनस VI प्लस VGS प्लस V0 इक्वल टू जीरो, तो VI इक्वल टू V0 प्लस VGS, ओके, V0 का वैल्यू यहाँ पुट कर दिए, तो VI इक्वल टू GM VGS, इसमें VGS कॉमन ले लिए, इन दोनों को हम लोग डिवाइड कर देंगे, VGS कैंसिल हो गया, तो ये वैल्यू आ गया, ओके। अब चूंकि ये GM RD पैरेलल RS जो है ये वन से बहुत बहुत बड़ा है, हम लोग इस वन को निगलेट कर सकते हैं, तो निगलेट कर देंगे, डिवाइड बाय दिस इक्वल टू वन, यानी कि AB जो होगा नियर अबाउट वन होगा, यानी कि कॉमन ड्रेन एम्पलीफायर का वोल्टेज गेन जो होगा वो क्या होगा,
यूनिटी होगा। ओके, अब यूनिटी होने का मतलब क्या हो गया, इट्स एसी आउटपुट वोल्टेज सेम एज इट्स एसी इनपुट, ऑफ कोर्स वी नॉट इक्वल टू वी आई हो जाएगा। अब चूंकि ऐसा होने का मतलब यह हो गया कि वोल्टेज ऑफ आउटपुट टर्मिनल सोर्स फॉलो द इनपुट वोल्टेज, इनपुट वोल्टेज को फॉलो कर रहा है, तो यही हम लोग कहते हैं कॉमन ड्रेन एम्पलीफायर को सोर्स फॉलोअर, मतलब सोर्स को हमेशा फॉलो करना है। ओके, कॉमन सोर्स एम्पलीफायर को फॉलो करता है लाइक दैट। ओके, इसको लोग बफर की तरह ट्रीट भी करते हैं, इसको याद रखें, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, दिस वन कॉमन ड्रेन एम्पलीफायर दैट इज द सोर्स फॉलोअर। याद किए बीजेटी में हम लोग कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर को इमीटर फॉलोअर करते हैं। ओके, नाउ आउटपुट रेजिस्टेंस, ऑफ कोर्स लास्ट वीडियो लेक्चर में अगेन मैंने बात किया था टू कैलकुलेट द आई नॉट वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट करना है, डिस्कनेक्ट कर देना लोड रेजिस्टेंस को और अप्लाई करना है वोल्टेज Vx एट आउटपुट पोर्ट, सो दैट आउटपुट रेजिस्टेंस आई नॉट क्या हो जाएगा Vx बाई Ix। तो ये हम लोग निकाल लिए Vx बाई Ix। ओके, तब ये हम लोग का सर्किट जो है अभी ऐसा है, देखो इसको हम लोग शॉर्टेड किए। ओके, लोड रेजिस्टेंस को डिस्कनेक्ट किए, इसको डिस्कनेक्ट कर दिए। ओके, उसके बाद अप्लाई वोल्टेज Vx एट आउटपुट, यहां पर हम लोग Vx अप्लाई कर दिए सेम। अब ये देखो ये प्लस टर्मिनल है हाँ, और ये भी हमारा सेम टर्मिनल, तो माइनस प्लस Vx होगा। ओके, नाउ अब ध्यान से देखिएगा इस टर्मिनल पे KCL लगा रहे हम। ओके, तो ये Ix यहां इस टर्मिनल पे आ रहा है इनपुट, ये भी इस पे इनपुट आ रहा है, Ix प्लस GmVgs इक्वल टू, ये अगर आउटपुट माने तो Vx बाई Rd होगा। ये हमारा तीनों जो है ये सेम टर्मिनल है ना, सेम नोड। ओके, तो ये इस नोड पे इनपुट Ix, इस नोड पे इनपुट GmVgs, तो आउटपुट हमारा जो है Vx बाई Rd लिख सकते हैं, इनकमिंग टू आउटगोइंग। ओके, और अल्सो ये यहाँ के पैरेलल यहाँ माइनस प्लस Vx, और ये भी हमारा जो है माइनस प्लस Vx, क्यों ये इसके बराबर हो गया Vx इक्वल टू माइनस Vgs, क्योंकि Vi तो हमारा जीरो हो गया, और ये ड्रेन यहां से आया, यहां से आते आते ये यहां चला गया। ओके, आप यहां से ऐसे भी देख सकते हैं प्लस Vx प्लस Vgs इक्वल टू जीरो, तो Vx इक्वल टू माइनस Vgs इसमें पुट कर दीजिए, पुट करने वाला ये वैल्यू आ गया। ओके, तो यहां से हम लोग Vx कॉमन लिए तो आर नॉट इक्वल टू Vx बाई Ix तो ये आ गया। अब Gm को लिख सकते हैं 1/Gm प्लस 1/Rd, देखो ये टू इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लिखने का तरीका है। ओके, 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, यानी कि R क्या है R1 R2 के साथ पैरेलल कंडीशन, तो R1 देख सकते हैं 1/Gm पैरेलल Rd। ओके, तो ये आउटपुट रेजिस्टेंस हो गया। अब आर नॉट एस टोटल आउटपुट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये आर नॉट आया और पहले से लोड रेजिस्टेंस था RS, तो ये RS पैरेलल हो गया, तो आर नॉट का वैल्यू जो बहुत बहुत कम है। ओके, हेंस इट गिव द स्मॉलर आउटपुट, क्लियर है, दिस इज द कॉमन ड्रेन एम्पलीफायर। आई होप सो आप लोग को समझ में आ रहा है, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करेंगे RC कपल्ड कॉमन गेट एम्पलीफायर। ओके, थैंक यू।